मिलिए साइलेंट किलर से। डायबिटीज तेजी से दुनिया का सबसे घातक रोग बनता जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भविष्यवाणी की है कि 2025 तक दुनिया भर में डायबिटीज के मामलों की संख्या में एक अभूतपूर्व 150% की वृद्धि होगी और भारत में डायबिटीज के मामलों की संख्या में एक अविश्वसनीय 195% की वृद्धि होगी। डायबिटीज सबसे आम जीवन शैली विकार सिर्फ एक शुरुआत है। यदि अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो ये कोरोनरी हार्ट डिजीज, किडनी फेलियर या फिर स्ट्रोक जैसी अन्य जटिलताओं को जन्म दे सकता है। डायबिटीज एक चपापचय विकार है जिसकी वजह से इंसुलिन के उत्पादन में शिथिलता या कमी हो सकती है। गतिहीन जीवन शैली और अनुचित खान पान की आदतें इसके मुख्य कारक कहे जाते हैं। प्राचीन समग्र चिकित्सा और कल्याण विज्ञान आयुर्वेदा प्रमेह के रूप में डायबिटीज को दर्शाता है। आयुर्वेदा का मानना है कि उचित आहार, व्यायाम और आंतरिक दवा डायबिटीज को रोकने और यहाँ तक कि कुछ मामलों में बीमारी को कम करने में भी मदद कर सकते हैं। पेश है ग्लूकोज सपोर्ट। ब्लू लाइफ मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मार्केटेड ग्लूकोज सपोर्ट मेथी, सप्तरंगा, वृक्षामला, यष्टी और अर्जुना जैसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का प्रोप्राइटरी फॉर्मुलेशन है और किसी भी पक्ष प्रभाव के बगैर ग्लाइसेमिक हेल्थ का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। ग्लूकोज सपोर्ट में मौजूद सामग्री शरीर में ग्लूकोज के संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। गैलेक्टोमैनिन मेथी में मौजूद एक प्राकृतिक घुलनशील सामग्री है जो कि रक्त में शुगर अब्सॉर्प्शन की दर को धीमी कर देती है। मेथी में इंसुलिन के उत्पादन उत्प्रेरण के लिए जिम्मेदार अमीनो एसिड्स भी होते हैं। सप्तरंगा डायबिटीज के लिए पसंदीदा दवा के रूप में प्रसिद्ध है क्योंकि यह लिवर और पैंक्रियास के कामकाज को सही करके डायबिटीज के मूल कारण को दूर करता है। वृक्षामला एक प्राकृतिक एपेटाइट सप्रेसेंट है जो कि शरीर में फैट्स के भंडारण को रोकता है। यष्टी लिवर के कामकाज को विनियमित करने में मदद करता है। अर्जुना एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। इस जड़ी बूटी में मौजूद फाइटोकेमिकल्स खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके दिल के कामकाज को उत्तेजित करते हैं। सुझाई उपयोग 1-2 कैप्सूल रोजाना या आपके स्वास्थ्य पेशेवर द्वारा जैसे निर्देशित। डायबिटीज को उसी के खेल में हराइए। ग्लूकोज सपोर्ट को अपनाकर अपने जीवन पर नियंत्रण लें।